राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कांगड़ा जिले के पालमपुर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित शून्य बजट प्राकृतिक खेती के तहत प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के 3 दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। विश्व में लगातार बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग के लिए कृषि विभाग भी 40% जिम्मेवार है। कृषि क्षेत्र में बड़े लगातार रासायनिक खादों के प्रयोग से जमीन से निकलने वाली जहरीली गैसों और इनकी तैयार करने वाली फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहर वातावरण को तबाह कर रहा है। ये बात महामहिमी राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गोपालपुर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के शुभारंभ के दौरान कही। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव ही हैं कि अब जमीन की उर्वरता कम होती है, लेकिन शून्य लागत प्राकृतिक खेती से जमीन भी उपजाऊ होती है और उत्पादन भी बढ़ता है। राज्यपाल ने कहा कि 70 के दशक में अन्न की कमी के कारण, हरित क्रांति के कारण रासायनिक खेती भारत आई। उस समय उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इसके लगातार प्रयोग से अब ये अधिक डालते हैं और अब उत्पादन कम हो रहा है। अरबों खरबों डॉलर दुनिया का खर्च हो रहा है और ये जो मेडिसिन बनाने वाले प्लांट है ना, अंग्रेजी मेडिसिन, आप इनके बराबर से निकल नहीं सकते। इतनी बदबुआ होती, कितना प्रदूषण वो फैलाते हैं, सब केमिकल की मेडिसिन बनती है। इतना बड़ा खर्चा, ये सब कुछ हो रहा है, प्रदूषण जो बढ़ रहा है। आपसे मैं पूछता हूँ मेरी बहनों, ये जो बोतल रखी है पानी की, 30 साल पहले देखी थी आपने किसी के हाथ में? ये हरित क्रांति वालों ने दी है कि नहीं? आपने बोलो है ना? ये बुरा लगेगा, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, या मेरी बात को उत्तर दो कि हमने नहीं किया, या वो खड़े होंगे ये बताएं कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। ये जो धरती का पानी दूषित हुआ, इतना जहर खेतों में डालते हुआ, वो बारिश के या पानी के द्वारा नीचे धरती के पानी में जाके मिलता, वो दूषित हो गए, हवा दूषित हो गई, सूर्य की किरणें दूषित हो गई, ओजोन की परत धरती और आकाश के बीच में जो है उसमें बड़े बड़े होल छेद हो गए। अब सूर्य की किरणें सीधी धरती पे आ रही है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने जा रहा है, समुद्र के किनारे जितने देश दुनिया है यूं ही चलता रहा तो सब समुद्र में गर्क हो जाए। ये पाप जो है सारा इस रासायनिक खेती का दुष्प्रभाव और बढ़ती हुई हमारी आधुनिकता का परिणाम, ये सब और भी जिम्मेदार हैं, लेकिन इसमें 40% भागीदारी कृषि विभाग में अंधाधुंध इन रासायनिक पदार्थों के दुरुपयोग का परिणाम, जो उसके अलग अलग परिणाम। मुख्यमंत्री की अतिरिक्त मुख्य सचिव सह प्रधान सचिव डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी, ओंकार शर्मा प्रधान सचिव कृषि ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया और राज्य में कृषि की प्रगति का विस्तृत विवरण दिया। इस मौके पर विधायक आशीष बुटेल, पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक सरयाल, डॉक्टर शशिकांत शर्मा राज्यपाल के सलाहकार, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कृषि विश्वविद्यालय जिले के प्रमुख लोग भी मौजूद रहे।